नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज हम स्वीट डिश बना रहे हैं और स्वीट डिश में बना रहे हैं फिरनी, जो मोस्टली रमजान के दिनों में बनाई जाती है और पुरानी दिल्ली वगैरह में बहुत मिलती है। आइए हम भी बनाते हैं, देखिए कैसे बनती है। ये मैंने चावल लिए हैं जो मैंने सोख करके रखे थे, उसके बाद मैंने इनको पीसा है और ये ऐसे दरदरे से, ये देखिए ये इतना दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत पाउडर होगा तो बाइट नहीं आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा इतना। ये चावल हैं, चीनी है, केवड़ा वाटर, रोज वाटर, इलायची, एक चम्मच घी है और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पिस्ता, काजू, बादाम और ये थोड़ा रोज पेटल हैं ड्राइड। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने पकने के लिए रखा है, इसको एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। ये इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। इस वक्त मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी, ये ऑप्शनल है बट इससे फ्लेवर बेटर हो जाता है फिरनी का। एक लीटर दूध में 20 ग्राम मैंने चावल लिए थे जो सोख करके पीस लिए हैं और आपको भी मैंने दिखाया ही था कि कितना दरदरा मैंने पीसा है। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और कंटिन्यूअसली अब हम इन्हें चलाएंगे, नहीं तो इसमें गांठे आ जाएंगी। वैसे तो फिरनी खीर का दूसरा रूप है, खीर ज्यादा लिक्विड होती है, फिरनी थोड़ी कम लिक्विड होती है। उसके साथ ही खीर में दाना होता है बहुत, इसमें दाना नजर नहीं आता है, इसमें ये डिफरेंस है फिरनी और खीर में। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे, अभी हम इसमें चीनी नहीं मिलाएंगे। अगर हम इसमें चीनी मिला देंगे तो चावल का दाना थोड़ा सख्त रह जाएगा, इसलिए थोड़ा चावल का दाना गल जाए और ये गाढ़ा भी हो जाएगा दूध सारा, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसको हम कम से कम नहीं तो 15 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट बाद पकने के बाद ये कितनी स्मूथ सी क्रीमी हो गई है। और वैसे मैंने इसमें फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है, अगर आप फुल क्रीम में नहीं बनाना चाहते तो आप टोन्ड मिल्क में या किसी में भी मिल्क में बना सकते हैं, मैंने फुल क्रीम लिया है। इस वक्त हम इसमें चीनी डालेंगे, मैंने 20 ग्राम चावल लिया था, इसमें हम 40 ग्राम चीनी डालेंगे। इसका रेशियो है 1 लीटर दूध 20 ग्राम चावल तो 2 गुनी चीनी। ये चीनी घुलने लगी है तो थोड़ा सा पतला हो गया, अभी 5-10 मिनट और पकेगा तो ये करो। और इसी वक्त हम इसमें सेफ्रॉन थ्रेड डाल देंगे, 10-12 मैंने लिए हैं, तो इससे खुशबू भी होगी, कलर भी अच्छा आ जाएगा फिरनी का। और ये मैंने रोज पेटल लिए हैं ड्राई, वो भी इसी वक्त डाल देंगे हम इसमें। अब इसको हम थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे इसे, और चेक कर लीजिएगा आप चीनी डालने से पहले कि ऐसे करके देख लीजिएगा कि जो राइस है वो गल गया है नहीं, जो छोटा दाना देखिए ये बिल्कुल गला हुआ है, चेक जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं गला हो तो थोड़ा और पका लीजिएगा। फिरनी तैयार है, इसका बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इतनी ही पतली रखेंगे क्योंकि अभी जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, हल्की सी लूज ही अच्छी लगती है, तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया हुआ है, रोज वाटर, मैंने रोज पेटल भी डाले हैं, आपने नहीं डालना मत डालिए, ऑप्शनल है, और ये केवड़ा वाटर, अगर केवड़ा वाटर नहीं पसंद है तो वो भी मत डालिए, खाली इलायची पाउडर डाल दीजिए, 1/2 चम्मच मैंने केवड़ा वाटर लिया है। अब इसको हम चलाएंगे सब अच्छे से, जिससे जितने भी हमने खुशबू की चीज़ें डाली हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाएं, एक अलग सी इसमें से खुशबू आ रही है अब इस वक्त। और अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको मैंने सर्व करने के लिए
ये मिट्टी के सकोरे लिए हैं मैंने, क्योंकि फिरनी मोस्टली सकोरों में ही परसी जाती है। लेकिन अगर आपके पास सकोरे नहीं है तो इस टाइप की डीप प्लेट ले लीजिए। तो ये अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, और इसको मैंने सकोरों को पानी में सोक करके एक घंटा रखा था, जिससे कि ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, तो ये हमारी फिरनी का दूध सारा इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ठीक रहेगा इसका रेशो। बादाम, काजू, पिस्ता, ये फिरनी बनके तैयार है। इसमें आपने अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालने हैं मत डालिए, ये ऑप्शनल है, बट अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, और फिरनी देखने में खूबसूरत लगने लगती है। फिरनी बनके तैयार है खाने के लिए। एक अच्छा सा डिनर हो उसके बाद मीठा ना खाए तो मजा नहीं आता, इसीलिए मीठा खाएंगे तो और अच्छा डिनर का फ्लेवर हो जाएगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बेटर। आप भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, इंजॉय करिए, और आपको आई एम श्योर जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज कम से कम 3 मिनट देख के ही सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपका सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।